हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? तो आज चल रहे हैं हम बनाने उत्पम। ते लिए हम दही, दही मेरी खट्टी हो चुकी है क्योंकि मेरा दही 2 दिन का है। तो इसमें हम मिक्स करेंगे सूजी। तो सूजी हम मोटी वाले लिए हैं और पैकेट वाली सूजी है, तो हम डालेंगे इसमें सूजी। सूजी डालने के बाद हम इसमें खाने वाला सोडा नहीं मिक्स करेंगे क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम है और हमको इसको बनाना है शाम को। तो 2 घंटा पहले ही इसको हम दही में फेंट के रख देंगे अच्छी तरह से। हमको पानी नहीं मिक्स करना है उत्पम में बनाने के लिए। इसमें हम मिक्स करेंगे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरा मिर्च एंड नमक। आप देख सकती हैं कभी तो मेरा बहुत ही गीला है, तो सूजी इसमें और ज़रा और मिक्स करेंगे इस तरह से। और इसमें डालेंगे हम नमक। इतनी सामग्री डालने के बाद इसको हम ढक कर रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से मेरा सूजी खुल जाए। इसका हम इडली भी बनाने वाले हैं शाम को और मूंगफली का चटनी। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक। देख सकते हैं कितना गीला है। अभी मेरी सूजी फूलेगी तो अभी और गाढ़ा हो जाएगा, तो अब इसमें हम सूजी नहीं मिक्स करेंगे। तो इसको हम ढक कर रख देते हैं। तो फ्रेंड, मेरा सूजी और दही अच्छे से इसमें खमीर उड़ चुका है जो हम फेंटे थे। इसको 2 घंटा पहले ही हम भिगो दिए थे तो आपको दिखाए थे, तो मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम मिक्स करेंगे प्याज, और इसमें हम टमाटर काट लिए हैं तो टमाटर डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। इसमें जरा सा हम 2-3 हरी मिर्च डालेंगे। तो हम 2 हरी मिर्च काट लिए हैं, तो हम डालते हैं मिर्च इस तरह से। हम इडली स्टैंड में बनाएंगे, बहुत ही सुंदर शेप देंगे हम। तो आप देख सकती हैं, तो पहले अच्छे से इसमें हम ऑयल लगा देते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड, इसमें हम ऑयल लगा चुके हैं तो अपने शेप में इसको हम 1 स्पून डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे इस तरह से। आप तवे पे भी उत्पम बना सकती हैं, बहुत ही सुंदर बनने वाला है। तो
फ्रेंड देख सकती हैं कि हम सारे खाने में भर चुके हैं और मेरा पानी भी खोल रहा है। तब इसमें हम डालेंगे, सबसे पहले हम इस तवे को डालते हैं, फिर इस तवे को बैठाते हैं अच्छी तरह से। तो फ्रेंड देखते हैं कि मेरा उत्तपम बन के रेडी हुआ कि नहीं। तो लग तो रहा है कि बन के रेडी हो चुका है, तो देखते हैं। तो बन चुका है, इसको अब ठंडा हो जाए तो इसको निकालेंगे हम बाहर। तो फ्रेंड मेरा उत्तपम बन के रेडी हो चुका है, तो इसको निकालेंगे हम बाहर। ये देखिए कितना सुंदर बना है, तो एक एक करके हम सारे को निकाल लेते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड मेरा उत्तपम बन के रेडी हो चुका है इस तरह से। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। आप तवे पे भी बना सकती हैं, लेकिन हम इडली स्टैंड में बनाए हैं। तो आपको कैसा लगा, आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।